मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ये एकेडमी 123 पर। आज जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि इस लिमिट का क्वेश्चन है, ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और 3x² + 2/7x² + 2 और इसका पावर है 1/x². तो जब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो ये JEE 2020 जो हुआ है उसमें 8 जनवरी के क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, तो इसी अप्रोच से क्वेश्चन आ रहे हैं लिमिट्स के। तो अपन को इसको कैसे सॉल्व करना है और इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो बिल्कुल ही आसान है, तो देखते हैं इसको जस्ट। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी स्टेप में आप कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और अभी आप देख पा रहे हो कि जिस प्रकार से ये था, तो ये अभी जैसा कैसे है कि 1 की पावर इन्फिनिटी यानी ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसी को लिखूं कि LT आपके पास x टेंस टू आपका हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कैसे, अगर मैं इसको लिख दूँ 1 - 4x² ओके अपन यही चीज 7x² + 2 ओके, और इसको आपने अगेन 1/x² लिखा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये वो कोई चीज़ बन जाएगी, ये 7x² + 2 - 4x, तो -4x 7 में से जाएगा कितने बजे, 3x² + 1। तो यानी इसी स्टेप को मैंने लिख दिया। और यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0.0 ये अगेन 1 की पावर इन्फिनिटी। जब कभी भी आपको इस टाइप का स्टैंडर्ड दिखे तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, e^2, ये बहुत अच्छा स्टेप है, LT और लिमिट जानी है आपकी x → 0 और ये जो कुछ भी है ये वाला 1 के माइनस वाला जितना भी फैक्टर है आपके पास इसको आपको लिख देना है। ठीक है, 4x² / 7x² + 2 और इसको ऐसे ही लिखना है इनटू 1/x² यानी जो पावर में था ये वाला, जो पावर में था ये जो पावर में था ऐसे कैसे लिखना है आपको, दैट्स इट, सिंपल और कुछ भी नहीं करना। तो और इसके लिमिट की वैल्यू रखनी, तो यहाँ पे मैं लगता हूँ x² से x² चला जाता है। ठीक है, और इसको अगर यहाँ सिंप्लीफाइड करते हैं तो e की पावर और मैं यहाँ लिखता हूँ LT और x → 0 और अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू नथिंग बट बल्कि की 4 अपन नथिंग बट ये जो ये माइनस है तो माइनस यहीं पे है, -4/7x² + 2। जब x की वैल्यू 0 रख देगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो e की पावर कितनी हो जाएगी, -4/2, दैट इज़ नथिंग बट e की पावर -2। e की पावर आपके पास आ जाएगा -2 या e का स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हो e^2 - 2, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो अगर ये आया हो, जिसका भी सेट में आया हो, तो उसने अगर ये टिक किया तो उसका आंसर सही है, और अगर उसने कुछ और टिक किया तो ये उसके लिए ठीक नहीं है, उसका नेगेटिव जाएगा। तो कहने का था कि ये एक आपके सामने मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया, अगर ये अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।